बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह और ललन परदेसी। हुआ क्या था सागर राकेश? बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह, ललन परदेसी ने तुम दोनों पर हमला क्यों किया? कोई दुश्मनी थी तुम्हारी उनके साथ? कोई दुश्मनी उश्मनी नहीं थी, वो तीनों भोलागंज से हमारा पीछा कर रहे थे। जब हम चंद्रौनी के रास्ते पर पहुंचे तो ज्यादा लोग नहीं थे वहां। अचानक से उन्होंने ओवरटेक किया और हमें मारना शुरू कर दिया। क्या है भाई? चल नीचे उधर। क्या चाहिए भाई तुमको? जब कारीगर दादागिरी है क्या? साहब पूरे 3 दिन का गल्ला था, सब लूट के ले गए और इतनी बेरहमी से पीटा साहब। उन्हें कैसे पता चला कि तुम लोगों के पास इतने पैसे थे? हम क्या जाने साहब, बस ऐसे ही पीछा किया, मारपीट की और पैसे लूट लिए। हाँ साहब, चंद्रोनी के नामचिन बदमाश हैं, सब जानते हैं साहब। हिस्ट्री शीटर्स के राउंडअप के दौरान त्रिभुवन सिंह, बहादुर सिंह, ललन परदेसी, इन तीनों का नाम क्यों नहीं आया? आया था सर, लेकिन इन तीनों पर चार्जेस है दुकानदारों को परेशान करने या छोटी मोटी मारपीट करने के। मोलेस्टेशन, सेक्सुअल क्राइम की कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए राखी के केस के साथ कोई जोड़ नहीं मिल रहा था। अब शायद मिल जाए। अरे साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं साले, पंगा उन्होंने लिया था। उन्होंने लड़ाई शुरू की थी तो हमने जवाब दे दिया साहब। जवाब देने में पैसे लूटने भी शामिल होते हैं साहब। वो जानबूझ के गलत कट मार रहे थे, यू पास में से। भगा त्रिभुवन, भगा, होते चला। साहब हम बाइक से गिर सकते थे, बहुत चोट लग सकती थी हमें। इसी गुस्से में साहब थोड़ा ज्यादा हाथ पैर चल गए। जब गुस्से में हमारे हाथ पैर चलते हैं ना, तो सामने वाले का क्या हश्र था उसकी झलक दिखाऊं? हम उनसे माफी मांग लेंगे और उनके पैसे वापस लौटा देंगे। राखी भामरिया को कैसे लौटाओगे? उसे किस बात का जवाब दिया तुम तीनों? अरे साहब, इन दो बंदों को लूटा पीटा, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन उस रेप और मर्डर कांड में कहां हमारा नाम जोड़ रहे हैं आप? गुंडे साहब, वैसे नहीं, उस शाम को तो हम चंद्रौनी में थे ही नहीं साहब। सागर और राकेश पाल जिंदा बच गए, हिम्मत करके उन्होंने शिकायत लिखवाई, पर राखी ने ताहड़ लगाई होगी, बोली होगी कि तुम तीनों को वो छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसको वहीं खत्म कर दिया। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक को देख लूंगी, समझे? नहीं साहब, हम वहां पर थे ही नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था साहब? हमने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, कसम से साहब। हाँ साहब, उस दिन तो हम लोग वहां थे ही नहीं। राखी की लाश से सीमन सैंपल्स मिले हैं, 3 आदमियों के, संभाल के रखा हमने। तुम तीनों के साथ मैचिंग की जाएगी, उसके बाद सारा सच अपने आप बाहर। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था साहब। आप जबरदस्ती हमें उस कांड में घसीट रहे हैं साहब। साहब हमने पहले ऐसा कोई कांड किया ही नहीं है। अकेली लड़की देखी और झपट पड़े उस पर, उसके बाद जो 1500 रुपए थे वो भी लूट लिए। हमने कुछ नहीं लूटा साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। मौका है तुम तीनों के पास, जो भी सच है बोल दो, नहीं तो हमारा डंडा सच बुलवाएगा, और अगर डंडा सच नहीं बुलवा पाया तो बाकायदा सबूत बोले। उन तीनों को हमारे हवाले कर दो मैडम, हम छोड़ेंगे नहीं उन्हें। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि उस तरफ के लोगों का काम है। हाँ मैडम जी, ये तीनों ना बड़े बदमाश है, पांडे साहब को भी मैंने बोला था कि ऐसा कर सकते हैं। अरे दो भाई तो मेरी भी पूरे दिन की कमाई लूटी है इन्होंने। अगर ये लोग राखी के गुनहगार हैं तो हम इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, अगर ये लोग गुनहगार हैं तो। ये साबित करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए होंगे। और क्या सबूत चाहिए मैडम जी आपको? सागर पाल और राकेश पाल मर्द हैं, इसीलिए उन्हें लूटा और पीट कर छोड़ दिया। राखी लड़की थी तो उसके पैसे लूटे और उसके बाद उसकी इज्जत लूटी, जान से मार दिया, फांसी पर चढ़ा दो उनको। तुम तो बीच में बोलो मत सोनू, खुद औरतों को छेड़ने की भद्दी हरकत करते हो। ये कतई मत समझना कि तुम हमारे शक के घेरे से बाहर। हद करती है मैडम आप, पुलिस उनका पूरा का पूरा साथ दे रही है हम लोगों को दबाने के लिए। हमारे गाँव की बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ और उसका गुनाह हम लोगों पर थोपने चली आप तो तीनों को हमारे हवाले कर दो मैडम, गाँव की चौपाल पर खड़ा करके तीनों से कबूल करवाएंगे कि ये काम उन्होंने किया है। मुझसे पुलिस वाले कुछ पूछ रहे थे उस दिन।
क्या पूछ रहे थे? कि हमारी बेटी पर ये किसी ने करवाया है? पुलिस पूछ रही थी या कह रही थी? मुझे नहीं पता। ये उन तीनों ने किया है जो पकड़े गए हैं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता होगा। हमें लगभग यकीन था कि यही तीन राखी भामरिया के गुनहगार थे, पर इससे पहले कि हम पूरी हकीकत तक पहुंचते, मीडिया ने यह ऐलान कर दिया कि यही तीन राखी भामरिया रेप और मर्डर केस के दोषी हैं, जिसके चलते हमारी तहकीकात अब दुविधा में आ गई थी। देखा चाचा, सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। बेकार में सब मुझ पे ही शक कर रहे थे। भाई ये तो समझे कि इन तीन गुंडों ने ये कांड किया था, लेकिन पुलिस कह रही है राखी 1,500 रुपए लेके निकली थी भोलागंज से। रामलाल भाई और नीलम भाभी को पता ही नहीं था कि इतने पैसे उसने अपने मालिक से क्यों लिए थे। भाई सच कहूँ ना, ये राखी भी कुछ कम नहीं थी। रास्ते में कुछ कहा सुनी हो गई होगी उन बदमाशों से और मुंह फट उन्हें जवाब दे दिया होगा। सही कह रहे हो भैया, उन तीन गुंडों ने 2 बारी मेरे रिक्शे को भी रुका के पैसे मांगे थे, मैंने तो चुपचाप दे दिए। राखी को भी चुपचाप दे देने थे पैसे तो शायद आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। क्या ये कांड उस गर्मा गर्मी का नतीजा था जो उस रास्ते पर शायद राखी और उन तीन हमलावरों के बीच हुआ था? हम इस बारे में अब भी अंधेरे में थे। क्या राखी पर हमला एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था? ये तभी पता चलता जब वो तीनों अपना मुंह खोलते। और गुनहगारों का मुंह हमने खुलवाया, इसके चलते हम एक ऐसे भंवर में फंस गए जो शायद हमें गुमराह करने के इरादे से रचा गया था। अब और झेला ना चाहता भाई, ये लोग कुटाई बढ़ाते रहेंगे तब तक कि जब तक हम कुछ बोलना पड़े। तो तुम्हें क्या लगता है क्या बोलना चाहिए? कुछ तो बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। इन्हें कुछ चाहिए तो कुछ दे देते। सर, त्रिभुवन सिंह, बहादुर सिंह और ललन परदेसी 11 सितंबर की शाम को इन तीनों के सेलफोन लोकेशन भोलागंज थी, फिर चंद्रौनी। जब जुर्म हुआ तब इन तीनों में से किसी की भी लोकेशन क्राइम सीन के आसपास की थी? नहीं सर। शायद यह भी प्लान का हिस्सा हो कि कोई सुराग ही मत छोड़ो जो हमें इन तक ले जा सके। सर, तीनों कुछ बात करना चाहते हैं। वो मर्डर के बारे में बताना है। गैंगरेप और मर्डर? सिर्फ मर्डर। मतलब तुम तीनों ने सिर्फ मर्डर किया राखी का, बाकी रेप कोई और तीन बंदों ने किया? नहीं 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 साहब, हम राखी वाले केस की बात नहीं कर रहे। तो फिर किसके मर्डर की बात कर रहे हो? वो गुफरान मिर्जा का साहब। गुफरान मिर्जा कौन है? यही चंद्रौनी का रहने वाला था, किसान था। इस कृषि दर्शन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जब इस सच है फटाफट बोल दो, वरना यही इसी लॉकअप में काट दूंगा। यही बोलना था साहब, सिफा मिर्जा का पति था ये, कत्ल हुआ था उसका। कहाँ दर्ज है इस मर्डर की रिपोर्ट? कहीं नहीं, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं चला था कि उसका मर्डर हुआ है। लोगों को पता चला कि गुफरान को दिल का दौरा पड़ा था। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उसका मर्डर हुआ था? वो हमने किया था गुफरान का मर्डर।
शिभा मिर्जा ने हमें 50,000 रुपए दिए थे अपने पति को मारने के लिए। साहब सबने मान लिया गुफरान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है और उसे दफना दिया गया और उसके साथ ही सारे मामले भी दफन हो गए। किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। कब की बात है ये? एक आध साल हो गया साहब। पूरे एक साल के बाद तुम लोगों का जमीर जागा, वो भी तब जब राखी भामरिया रेप और मर्डर केस में तुम लोगों का पर्दाफाश होने को है। मालिक हमने राखी भामरिया के साथ कुछ नहीं किया, कसम से कह रहे हैं। सब हम सब फंस गए यहाँ पे साहब। हम मानते हैं साहब कि हम लोगों को लूटते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं। हमने सागर और राकेश को भी लूटा, आज तक हमने किसी लड़की की इज्जत नहीं लूटी साहब। साहब आज तक हमने एक ही मर्डर किया है, वो भी गुफरान का, और वो भी साहब सामने से सिफा मिर्जा ने 50,000 रुपए देते इससे लेके। राखी की सुपारी कितने की थी और किसने दी थी? अरे साहब जब सुपारी ली ही नहीं तो कैसे बताएं? एक साल बाद 3 गुनेगार एक दूसरे जुर्म के लिए पकड़े गए थे। पूरी संभावना थी कि वो राखी के गुनेगार भी हो सकते थे, पर तीनों सामने से एक दूसरे जुर्म को कबूल रहे थे। हमें शक था कि एक चाल थी हमें गुमराह करने की, और एक सवाल ये भी था कि क्या गुफरान मिर्जा के कत्ल की खबर सच भी थी या नहीं। झूठ बोल रहे वो लोग साहब, मेरे शौहर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, मैं खुद वहां मौजूद थी। सरासर झूठ बोल रहे वो लोग। वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे शिवा? एक साल में चंद्रोनी गांव में कितने लोगों की मौत हुई होगी, पर वो सिर्फ तुम्हारे शौहर के बारे में ही झूठ क्यों बोलेंगे? मैं क्या जानू साहब, सारी दुनिया जानती कि राखी के केस में पकड़े गए वो लोग, तो हो सकता है ना अपने आप को बचाने के लिए वो कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे होंगे। इसमें बेकार में मुझे घसीट रहे। गुफरान शिफा को तलाक देकर मुझसे निकाह करने वाला था, क्योंकि शिफा को बच्चे नहीं हो रहे थे। मैं चौंक गई जब मुझे पता चला कि गुफरान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हुमायरा तुम्हें पहले से शक था कि गुफरान की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी? यकीन, पहले दिन से यकीन था कि दाल में कुछ काला है, पर किसी ने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। अब जाकर सारा का सारा सच सामने आ रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, अननेचुरल डेथ थी, गले के बगल वाली हड्डी टूटी है, गला घोंटते वक्त ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर अगर मौत गला घोटने की वजह से हुई है तो जब मर्डर हुआ तब गले पर उंगलियों के निशान भी रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे। हैरत की बात है, जब मौत का पता चला, जब लाश को दफनाया गया, तब कहीं पर भी किसी ने भी नोटिस कैसे नहीं किया? शिफा, तुम्हारे शोहर की लाश को कब्र से बाहर निकालकर जांचा गया, यह साबित हो चुका है कि गुफरान की मौत एक मर्डर था। झूठ वो लोग नहीं बोल रहे, झूठ तुमने बोला। एक मर्डर को दिल का दौरा बताया। हुमायरा मिर्जा ने भी कबूल किया है कि तुमने गुफरान मिर्जा को क्यों मरवाया। देखो अब सच कबूल करने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो शिफा ने कबूल कर लिया है कि उसी ने बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह और लल्लन परदेसी को 50,000 रुपए दिए थे अपने पति गुफरान का कत्ल करने के लिए। अब केस बनेगा, FIR दर्ज होगी, चार्जशीट फाइल होगी, पर इन तीनों ने इस गड़े मुर्दे को क्यों उखाड़ा? राखी के केस को दफनाने, उससे बचने। सर तीनों को काफी तोड़ा, लेकिन तीनों के तीनों उसी बात पर अड़े कि राखी के केस उनका कुछ लेना देना नहीं है। सर मुझे लगता है कि वो लोग जानते हैं कि गुफरान मर्डर केस में उन्हें जो सजा हो सकती है उससे कहीं ज्यादा कड़ी सजा उन्हें राखी रेप और मर्डर केस में होगी, क्योंकि ये केस आजकल इतनी चर्चा में जो है। शायद इसलिए गुफरान वाला केस हमें परोस दिया, सोचा होगा एक साल पुराने केस में सबूत जुटाने में समय लगेगा, तब तक कोर्ट में बेल होती रहेगी और फिर पैंतरा बदल कर निकल जाएंगे। काफी शातिर गेम खेल रहे हैं सर ये तीनों। जल्दी हमें इन तीनों को अदालत में पेश करना होगा, और चूंकि राखी के केस में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है इनके खिलाफ, पूरे चांसेस हैं कि गुफरान मिर्जा के केस में उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। फिर राखी के रेप और मर्डर केस में इन तीनों से पूछताछ करने के लिए इनकी दोबारा कस्टडी हम किस बेसिस पे मांगे? काफी शातिर चाल है। अगर देखा जाए तो गुफरान मिर्जा के केस में उसकी पत्नी शिफा ने उसके कत्ल की सुपारी इन तीनों को दी थी। हो सकता है सर राखी के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अगर वाकई में ऐसा है तो हमारे पास एक ही संदिग्ध है जिसके पास कारण था राखी को मारने का, शायद वो खुद नहीं कर पाए इसलिए सुपारी उसने तीनों को दे दी। अब
आपकी बेटी राखी का क्लासमेट और दोस्त मनोज चौधरी आपकी बिरादरी का नहीं है, बड़ी जाति का है, लेकिन राखी को इसकी परवाह नहीं थी। राखी और मनोज दोस्त थे। पिता के तौर पर काफी मुश्किल रहा होगा आपके लिए बेटी का इतने आजाद ख्यालात का होना, अपने फैसले खुद करना, फिर चाहे वो नौकरी करना हो, साइकिल खरीदना हो, या साइकिल चलाकर 10 किलोमीटर दूर नौकरी पर जाना, या फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने जितना बड़ा फैसला लेना। राखी सबके खिलाफ जाकर समाज के सभी दायरे तोड़कर आगे बढ़ रही थी, ये बात चुभती तो होगी आपको। कुछ बातें चुभती थी साहब, बहुत चुभती थी। समाज में बेटे से ही सारी उम्मीदें की जाती, आपको भी होंगी अपने बेटे से, पर जब राखी पैदा हुई तब आपने सोचा भी होगा कि काश पहला बच्चा लड़का होता। राखी पर लगाम लगाना काफी मुश्किल हो गया था आपके लिए, सही बात है ना रामलाल जी? अपनी लगाम वो खुद अपने हाथ में पकड़ के रखती थी साहब। जब मैं ड्यूटी से लौटता था ना तो पानी लेकर दौड़ती हुई आती थी, अपने माँ के काम में हाथ बटाती थी, अपने भाई के पढ़ाई में मदद करती थी, घर खर्च में भी मदद कर रही थी। एक जिद थी उसमें, मुझे लगता था ये जो आगे पढ़ने का नौकरी करने का भूत सवार है उसके ऊपर कुछ महीनों में उतर जाएगा, लेकिन नहीं, उसने मुझे एक बार फिर से गलत साबित कर दिया। राखी मेरे जैसी नहीं थी साहब, मैं तो ये सोचकर बड़ा हुआ हूं कि मैं किसी की बराबरी नहीं कर सकता, या तो बड़े लोगों की मदद मिले या फिर सरकार की, लेकिन मेरी बेटी राखी, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए थी, उसे जो कुछ भी चाहिए था अपने बलबूते पर हासिल करना चाहती थी साहब। राखी जिस शाम घर नहीं लौटी, आपने ये नहीं सोचा कि पुलिस में खबर करनी चाहिए? अगले दिन सुबह राखी को ढूंढने निकले, रात पर सिर्फ इंतजार किया। मुझसे ही गलती हो गई साहब, मुझे उसी शाम शिकायत दर्ज करवा देनी चाहिए थी। मुझे उसकी चिंता थी लेकिन भरोसा भी था साहब कि राखी अपना ख्याल खुद रख सकती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था साहब कि राखी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि किसी काम से रुक गई होगी कहीं रात भर। क्या दिन क्या रात साहब, तब कुछ पता ही नहीं चला। मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है साहब, लेकिन आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना वो भी गलत है। मैं अपनी बेटी की जिद और खुली सोच से गुस्सा नहीं था, मुझे उसकी फिक्र थी। मैं जानता हूं साहब आप लोग मुझ पे ही शक कर रहे हैं कि मैंने उन तीनों को पैसे दिए राखी को मारने के लिए। अब इस पे मैं क्या बोलूं साहब? वैसे आप सही कह रहे थे साहब, नीलम जब पेट से थी मैंने लड़का ही चाहा था, लेकिन राखी पैदा हुई, राखी के पैदा होने से मैं दुखी नहीं हुआ था साहब। वो मेरा खून थी, मेरी अपनी बेटी थी वो, और मैं अपनी बेटी राखी के लिए इंसाफ चाहता हूं साहब। जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये सब किया है आप बस बता दीजिए कि पक्का इन्हीं लोगों ने किया है। अकेले सबको मार डालूंगा साहब, सबको मार डालूंगा साहब। हमारी टीम को नाकाम बताकर इस केस से निकालने की मांग के मचे शोर के बीच हमने हमारे तीनों मुख्य संदिग्ध त्रिभुवन सिंह, बहादुर सिंह और लल्लन परदेसी के बाकायदा परमिशन लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। क्या नाम है तुम्हारा? त्रिभुवन सिंह। अब तक कितने लोगों को लूटा है तुमने? यही 10-12 लोगों को। गुफरान मिर्जा का खून किसने किया? तुमने? हाँ। और राखी? राखी भमरिया का रेप और मर्डर किसने किया? तुमने? नहीं। क्या राखी भमरिया का रेप और मर्डर ललन परदेसी और बहादुर सिंह ने किया? नहीं। हमें सच की उस एक किरण की तलाश थी जो हमें इन तीनों के खिलाफ तहकीकात आगे बढ़ाने की राह दिखाती। सर,
पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट तो नेगेटिव आए हैं। किसी भी सवाल पर डगमगाए नहीं। जो टेस्ट के पहले कहते आए थे वही टेस्ट के दौरान कहना, मतलब सर लगता नहीं झूठ बोल रहे। पूरे एक साल तक कत्ल के राज को दबाए बैठे थे और जब राखी भामरिया केस में फंसने वाले थे तो ऐन मौके पर आकर उगल दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, शातिर क्रिमिनल्स उसे भी बीट कर देते हैं। फिर भी सर, राखी भामरिया केस में इस वक्त हमारे पास इन तीनों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। शायद राखी का रेप और मर्डर इन तीनों ने नहीं किया, या शायद किया हो जैसा कि आपको शक है, पर बतौर सबूत आपके पास कुछ नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह भी तो नहीं है इस घटना का। हमें एक ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत है अमृता। राखी के रेप और मर्डर को लेकर जो शोर मचाया जा रहा है, मुजरिम उन्हीं शोर मचाने वालों में से कोई हो सकता है। शोर तो पूरा गांव मचा रहा है। कल रास्ता रोको मुहिम छेड़ दी थी, आज असेंबली के बाहर धरना दे रहे हैं, केस को हमसे लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। ये सोनू साहू हमारा सबसे पहला सस्पेक्ट था, ईव टीजिंग की हिस्ट्री रही है, पर राखी के केस में कुछ मिला नहीं था इसके खिलाफ, फिर भी हमारी रडार से बाहर नहीं है। गवाह ढूंढिए इंस्पेक्टर, कोई चश्मदीद गवाह। कोई गवाही तो नहीं है अमृता। ये कहिए कोई सामने नहीं आया है, पर होगा जरूर। अब ऐसे ही तो किसी को नहीं धर सकते, कोई तो लीड होनी चाहिए इसके लिए। इंस्पेक्टर मैंने इस केस को थरली स्टडी किया है। भोलागंज से चंद्रोनी अपने घर आ रही थी राखी। चंद्रोनी में रेलवे स्टेशन है। भोलागंज से कई लोग चंद्रोनी स्टेशन आते हैं मिठीपुर जाने के लिए, जहां काफी सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। राखी 5:30 बजे भोलागंज में अपनी दुकान से निकलती है अपने घर जाने के लिए अपनी सहेली नीतू के साथ। यहां दुकान से इस पॉइंट तक करीब 20-25 मिनट लगे होंगे उन्हें साइकिल पर, जहां से दोनों अलग अलग होती है अपने अपने घर जाने के लिए। इस पॉइंट से क्राइम सीन तक करीब 25-30 मिनट लगे होंगे उसे साइकिल पर। राखी अकेली साइकिल चलाती हुई इस पॉइंट तक पहुंचती है। 5:30 बजे भोलागंज से निकली अपने घर जाने के लिए, 20-25 मिनट नीतू के साथ, 25-30 मिनट अकेली, 45-50 मिनट टोटली, यानी राखी क्राइम सीन तक 6:15 तक पहुंचती है। इस वक्त ये साइकिल यहां नहीं होनी चाहिए थी, साइकिल को यहां होना चाहिए था रोड पर। गैंग रेप और मर्डर करने में मान लेते हैं 30-45 मिनट लगे होंगे। अमृता, आप सजेस्ट कर रही हो कि इस 30-45 मिनट के दौरान किसी ने देखा होगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। जैसे मैंने कहा, पास में मिठीपुर में फैक्ट्रीज है, वर्कर्स की शाम की शिफ्ट खत्म होती है उस वक्त। इन 30-45 मिनट के बीच वहां से कोई गुजरा ना हो, ना कुछ देखा हो, चीखे तक ना सुनी हो, नामुमकिन। कोई तो जरूर होगा पर सामने नहीं आ रहा। फिर सिर्फ एक ही क्यों? एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जिन्होंने देखा हो, सुना हो, पर रिपोर्ट नहीं की। पर आपको उनमें से किसी एक को ढूंढ निकालना है इंस्पेक्टर। चंद्रोनी स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन्स के टाइमिंग चेक कीजिए, कौन सी ट्रेन कहां से आती है और इस टाइम के आसपास वहां रुकती है। भोलागंज से कौन रेगुलर अप डाउन करता है जो इन 45 मिनट के बीच चंद्रोनी और भोलागंज के रास्ते से रोजाना गुजरता होगा। अंत में हमें पता चलने वाला था कि राखी भामरिया पर हमला करने वाले भी 3 लोग थे, पर उन तक पहुंचने से पहले हम उस एक शख्स को ट्रैक करने में लगे हुए थे जो इस भयंकर जुर्म का चश्मदीद गवाह था। हमारे रडार में कई लोग आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि हमें कितने लोगों से पूछताछ करनी होगी, कौन झूठ बोलेगा कौन सच। आखिर में एक ऐसा शख्स सामने आया जिस पर हमारी शक की सुई टिक गई, पर हम तब भी पक्का नहीं थे कि हमारी शक की सुई सही आदमी पर टिकी थी या नहीं। आप लोग क्या जानना चाहते हैं मुझसे? क्या वो ये 3 आदमी थे?
मैं समझा नहीं, कैसा सवाल है? समझाते हैं सुनील मिश्रा, तुम मीठीपुर बीवी वाइड्स में काम करते हो, हमारी शिफ्ट सुबह 9 बजे शुरू होती है, तुम बिना चू के 8:15 बजे चंद्रोनी स्टेशन पहुंचते हो, 8:25 की शटल लेकर मीठीपुर जाते हो, शिफ्ट खत्म होती है शाम को 5 बजे, मीठीपुर स्टेशन से 5:15 की शटल लेकर तुम 6:45 बजे पहुंचते हो चंद्रोनी स्टेशन, फिर चंद्रोनी से अपनी बाइक पर अपने घर जाते हो भोलागंज, और 11 सितंबर को भी तुम रोज की तरह काम से लौटे, शाम को चंद्रोनी से भोलागंज पहुंचे, नामदेव की दुकान से पान खाया, कलकत्ता सादा कतली सुपारी, और उस समय बजे थे 6:45, तुम चंद्रोनी से भोलागंज यहां इस रास्ते से होकर गए हो, क्योंकि यही एक रास्ता है बाइक के लिए। क्या तुम भी शामिल हो इस कांड में? नहीं नहीं, ये क्या नाप सनाप बोले जा रहे हैं सर आप, मैं एक साधारण सा मजदूर हूँ, घर परिवार है मेरा, पर आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं। ठीक है, तुम एक अच्छे भले आदमी हो, मेहनती हो, फोरमैन हो पैकिंग डिपार्टमेंट में, सब ठीक, तुमने कांड में हिस्सा नहीं लिया, पर कांड होते वक्त तुम यहां से गुजरे जरूर थे, तो तुमने कुछ ना कुछ देखा भी होगा। सुनील, तुमने जुर्म होते हुए देखा है ना, तुम्हारी शक्ल साफ बता रही है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। सर मैंने कुछ नहीं देखा सर, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस जगह पे कांड हुआ था। जो तुमने देखा था? मैंने कुछ नहीं देखा सर, सर मैंने बस उसकी चीखें सुनी थी। लड़की की चीखें थी? जी। मैंने उसकी चीखें सुनी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं, मैंने उसकी साइकिल भी देखी, रास्ते पर पड़ी थी, डर गया था, खेतों में से चीखने की आवाजें आ रही थी, मुझे पता नहीं था कितने लोग होंगे सर, मैं बहुत ज्यादा डर गया था सर, और भाग गया वहां से। साइकिल रास्ते से लगकर पड़ी हुई थी? जी। क्या वो ये साइकिल थी? जी यही थी। दिखाओ, कहाँ पड़ी हुई थी साइकिल? सर यहाँ पर। कितने लोग थे वहाँ, तुमने देखा उन्हें? सर मैंने किसी को नहीं देखा सर, एक दिन बाद अखबार में पढ़ा, मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, कुछ नहीं कर सका, कम से कम आप लोगों को फोन कर देना चाहिए था सर, लानत है मुझ पे। पछताने के लिए अब काफी देर हो चुकी है सुनील, अब बस तुम इतना बता दो कि कौन लोग थे, क्या वो ये तीनों थे? सर मैंने किसी को देखा ही नहीं तो कैसे बताऊं? जैसा कि मैंने कहा था, साइकिल को रोड से उठाकर खेतों के अंदर क्राइम सीन पर रखा गया होगा, लाश के पास। ये इस मकसद से किया होगा कि रात को रोड पर अप डाउन करने वाले किसी की नजर में ना आए, और अगले दिन सुबह आसपास के खेत मजदूरों के आने तक इस कांड की खबर किसी को ना हो। अगले दिन खेतों पर मजदूरों के पहुंचने से पहले ही राखी के पिता रामलाल और उसका छोटा भाई रमेश पहुंच गए थे। अगर साइकिल रोड पर ही पड़ी रहती रात भर, तो वो रात को ही रामलाल भामरिया की नजर में आ गई होती। मैंने उसके स्टेटमेंट में पढ़ा है कि वो रात को अपनी बेटी राखी को ढूंढने के लिए निकला था। हमने रामलाल को संदिग्धों की लिस्ट से लगभग निकाल ही दिया। तो फिर रामलाल से दोबारा क्वेश्चनिंग कीजिए इंस्पेक्टर, पूछिए उससे कि जब वो अपनी बेटी की खोज में निकला था, क्या रास्ते में उसे कोई मिला था, क्या उसने किसी से पूछा था राखी या उसके साइकिल के बारे में? जब मैं यहाँ पहुंचा, अंधेरा हो चुका था, 7:30 बज चुके थे, रास्ते में मैं किसी से नहीं मिला। जब आप ढूंढने निकले थे, तब आपने सबसे पहले किससे पूछा था राखी के बारे में? मैडम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं सबसे पहले शिफा मिर्जा के घर गया, सोचा राखी वहां टीवी देखती होगी। नहीं, आपने कहा था कि आप 8:30 बजे तक राखी को ढूंढ रहे थे। अब आप हमें ये बताइए कि जब आप राखी को रोड पर ढूंढ रहे थे, तो सबसे पहले आपने किससे पूछा था राखी के बारे में? पूछता किससे साहब, रोड पर एक आदमी नहीं था। फिर मैं चंद्रौनी स्टेशन गया, वहां पर मैंने विरजू के रिक्शा को जाते देखा। स्टेशन पर किसी से बात हुई? हाँ, स्टेशन पर अपने गांव का कैलाश बोझी मिला था। कैलाश, राखी को कहीं देखे क्या? नहीं रामलाल जी, क्या बात है? घर नहीं लौटी अभी तक। तो यहाँ स्टेशन पे क्यों ढूंढ रहे, कहीं जाने वाली थी वो? भगवान जाने कैलाश, राखी अभी तक घर नहीं लौटी है, भोलागंज से 5:30 बजे ही निकल चुकी थी। वहां से मैं बिरजू रिक्शा वाले के घर गया, सोचा भोलागंज रोज अप डाउन करता है, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ साहब, रामलाल चाचा को मैंने चंद्रोनी स्टेशन पे भी देखा था, तब पता नहीं था कि क्या हुआ है, फिर जब रात को वो घर आए तब पता चला। रामलाल ने हमसे कहा कि तो चंद्रोनी स्टेशन से घर खाली रिक्शा लेकर जा रहा था। मंदा टाइम होता है साहब, अब किसी को 8 बजे की मीठीपुर के लिए शटल लेनी हो
बस वही जाता है। तो उस रात किसे छोड़ने गया था तू? अपने कैलाश कोची को, मीठीपुर में रिफाइनरी में जॉब करता है, नाइट शिफ्ट होती है उसकी साहब। कहाँ से बैठा था कैलाश? यही साहब, अपने चंद्रोनी से, मेरे घर से दो घर छोड़ के ही उसका घर है। मैं स्टेशन से लौटा ही था कि मेरे पास आया और बोला मुझे स्टेशन छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है। देख बिरजू, हम काफी कुछ पता करने के बाद, टटोलने के बाद तुमसे ये सवाल कर रहे हैं। हमें काफी कुछ पता है। क्या क्या पता है साहब? हमने चंद्रोनी स्टेशन पर रोजाना आने जाने वालों पर नजर रखी हुई थी, कब आते हैं कब जाते हैं। हमें पता चला ये कैलाश गोजी तो रोज 5:45 की मीठीपुर के लिए शटल लेता है। फिर 11 सितंबर को कैलाश गोजी लेट क्यों निकला था? साहब मैं क्या जानूं, अब कैलाश को ही पूछिए ना। ठीक है, कैलाश से ही पूछते हैं। तो साहब मैं निकलूं, मेरी सवारी का टाइम हो रहा है। नहीं थोड़ी देर रुक बिरजू, तूने काफी मदद की है हमारी, थोड़ी और कर, शायद तेरी जरूरत पड़ जाए। बाहर बैठ, कुछ खा पी, हम कैलाश को उठाते हैं। जी ललित कनौजिया, हमारे साथ चलो चंद्रोनी थाने। लेकिन क्यों? 11 सितंबर के बारे में बात करनी है। सब वो दरअसल मेरी तबीयत खराब थी और उस दिन जाने का प्लान भी नहीं था। फिर सोचा कि अगर नहीं गया तो मालिक मचमच करेगा और एक दिन का पगार भी काट लेगा, तो लेट से ही सही, लेकिन मैं गया। तो तूने 8 बजे की मीठीपुर के लिए शटल ली चंद्रोनी स्टेशन से? जी, और तभी रामलाल जी भी मिले मुझे स्टेशन पे। जी हम जानते हैं, पर तू ये नहीं जानता कि हम और भी कुछ जानते हैं। क्या साहब? तू तो रोज 5:45 की शटल लेता है ना चंद्रोनी स्टेशन से? जी मैडम। पर तू रोज बिरजू का रिक्शा तो नहीं करता? चंद्रोनी गांव के मोड़ पर अपने दोस्त का इंतजार करता है, भोलागंज वाले दोस्त का, जो तुझे पिक करता है, फिर तुम दोनों एक साथ चंद्रोनी स्टेशन से 5:45 की शटल लेते हो, है ना? जी मैडम। फिर ऐसा क्या इत्तेफाक हुआ 11 सितंबर की शाम को कि तू लेट निकला काम पर, तेरा दोस्त भी लेट निकला काम पर, फिर तुम दोनों एक साथ स्टेशन पर मिले और एक ही शटल ली 8 बजे वाली? कैलाश तो कुछ बताना भूल तो नहीं रहा है? नहीं साहब, क्या बोल सकता हूँ। यही कि ललित कनौजिया का फोन आया था तुझे शाम को 5 बजे। हाँ साहब, मैंने उस दिन 8 बजे की शटल ली थी मीठीपुर के लिए। मतलब काम पर लेट जाने का प्लान साथ में बना था? प्लान? कैसा प्लान सर जी? मुझे जरूरी काम निकल आया तो मैंने कैलाश को फोन किया शाम 5 बजे। हाँ कैलाश, मेरी राह मत देखना, मैं 5:45 की शटल से नहीं आ पाऊंगा। मुझे बिजली का बिल भरना है और 3-4 काम भी निपटाना। मैं 8 की शटल से आ पाऊंगा। कोई बात नहीं ललित, मैं स्टेशन पैदल ही चला जाऊंगा, रात को ड्यूटी पे मिलते हैं, ठीक है? मुझे लगा था कैलाश रोज की तरह 5:45 वाली शटल से गया होगा, लेकिन जब मैं 8 बजे वाली शटल के लिए चंद्रोनी स्टेशन पहुंचा तो कैलाश को देख थोड़ा चौंक गया। अरे कैलाश, तू भी लेट निकला? हाँ वो लेट हो गया, वो काम में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। वो बिरजू है ना अपना, वो रिक्शा वाला, उसने अभी अभी मुझे स्टेशन छोड़ा। अभी याद आया दलित का फोन? हाँ सब अभी याद आया। कुछ और याद दिलाएं? उस दिन भी तू ऐसे ही हिला हुआ था, ललित ने पूछा भी था तुझसे। तू ठीक तो है ना कैलाश? हाँ भाई, मुझे क्या हुआ है? नहीं तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, मानो कोई भूत देख लिया हो। नहीं नहीं ठीक हूँ मैं। कैलाश काफी परेशान लग रहा था उस दिन, मैंने सोचा कोई घरेलू परेशानी होगी। उस शाम को भोलागंज चंद्रोनी रोड पर राखी भामरिया के साथ जो कांड हुआ उसके बारे में कुछ बोला कैलाश ने? कुछ भी नहीं साहब, एक शब्द नहीं। और उस रात ड्यूटी पर भी काफी परेशान लग रहा था वो। जब उल्टा लटका कर डंडे मारेंगे ना तो झेल नहीं पाएगा, हड्डियां टूटेंगी तेरी, जिंदगी भर के लिए खाट पकड़ सकता है, मौत से बदतर जिंदगी होगी तेरी। वो मैं सब। क्या साहब साहब, सीधा सीधा बोल, कौन कौन शामिल था तेरे साथ उस दिन कांड में? मैडम मैं तो बस स्टेशन जा रहा था, मुझे इन सब में घसीटा गया है। किसने घसीटा तुझे कैलाश? मैडम जी अभी बहुत देरी हो रही है, मेरी सवारियां छूट जाएंगी। अब तो तेरी सवारी हमेशा के लिए छूटी समझ बिरजू। मैडम मैं कुछ समझा नहीं। समझे तो हम नहीं, तुझे, चोर को ही खबरी बनाने की गलती कर बैठे। साहब अब कहां उस झूठे कैलाश की बातों में आ रहे। चल। कैलाश झूठ बोल सकता है बिरजू, इसलिए हमने तेरे इस कांड के तीसरे साथी को भी खोज निकाला। उसके सामने तो तू ये नहीं कह पाएगा कि वो भी झूठ बोल रहा है।
अब बोल बिरजू, तेरा इमाम मेरा भाई अजीत भामरिया तो झूठ नहीं बोलेगा ना? सब अब जिससे चाहे जो बुलवा सकते हैं। हम भी राखी के ही जात के हैं, छोटी जात के हैं, इसलिए आप हमें फंसा रहे हैं और असली गुनहगारों को तो आप छोड़ रहे हैं, हमें दबोच रहे। दबोचना तो तू चाहता था राखी को, क्योंकि वो तेरे से कई गुना ज्यादा मेहनती थी, होनार थी। और ये जात पात का नाटक बंद कर, भयंकर गुनाह किया तुम लोगों ने। मेरी बात क्या, तू अच्छी तरह से जानता था कि तू राखी का अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, चीर कर रख देगी तुझे। इसलिए तूने अपने साथ इन दोनों कायरों को भी मिलाया, पहले अजीत को और फिर कैलाश को। हाँ साहब, सही बोल रहे हैं आप। राखी अपने औकात से आगे बढ़ने लगी थी, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी थी। क्या हुआ बिरजू, रिक्शा क्यों रोक दी तूने? राखी, आज मैंने जानबूझ का सवारी नहीं बिठाई। क्यों? बात करनी थी तुमसे। अच्छा, जो भी है जल्दी बोलो, मुझे ना देरी हो रही है। स्कूल में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मैंने भी तुझे बताया था ना बिरजू कि मुझे तुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर क्यों, क्या खराबी है मुझमें? हाँ, एक ही जात के हैं और अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ, खुश रखूंगा तुम्हें। मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ, तू रिक्शा चालू कर। देख राखी, इतना हवा में मत उड़, और ये तू डिग्री वगैरह ले भी लेगी ना तो अभी दूसरे जात के लड़के मुड़ के नहीं देखेंगे। तू भी मत देखना, मुड़कर आगे देख और रिक्शा चला। बोला ना मैंने देर हो रही है मुझे। इस गुरूर के चक्कर में देर ना हो जाए, पता चला कहीं और मैं किसी के साथ सेटल हो गया और तेरी किस्मत में अपनी बिरादरी का कोई बुढ़ा गाक आ जाए। मतलब तू नहीं चलेगा, मैं जा रही हूँ। राखी राखी सुन, कल तक सोच समझ के जवाब दे देना, ठीक है? रामलाल चाचा से बात करने आएंगे मेरे माँ बाबा। अरे राखी रुक दो, अरे 10 किलोमीटर चल के जाएगी क्या? आजा छोड़ देता हूँ। लेकिन सिर्फ रिक्शा चलेगा, तेरी जुबान नहीं, समझा? समझा, मैंने राखी को कभी गंदी नजर से नहीं देखा साहब, दिल से प्यार किया, शादी के लिए पूछा था, शादी के लिए साहब। लेकिन वो नकचढ़ी, इतना गुरूर था उसको, घुस गई बात दिमाग में कीड़े की तरह कि गुरूर तोड़ना है साली। समझना था उसको कि लड़की है, लड़की की तरह रहना सीखे। ए बिरजू, क्या कर रही है? रिक्शा खराब होगी क्या? साहब, मैं रोज की तरह चंद्रोनी स्टेशन जा रहा था, तब रास्ते में मुझे बिरजू और अजीत मिल गए, और बस यूं ही ऐसे ही रेप और मर्डर में शामिल हो गए अपने मजे के लिए। बहुत बड़ी गलती होगी साहब, मैं फिसल गया था बुरी तरह। भाई जंगली बिल्ली है वो, हम दोनों से संभलेगी नहीं, फिसल भी सकती है। देख भाई, अगर हम तीनों साथ में झपटेंगे ना तो काबू में आ जाएगी। बिरजू अपने गांव की लड़की है, बवाल हो जाएगा। बवाल तो तब होगा जब वो किसी से कुछ कहेगी, और वैसे भी उस राखी का वो हश्र करेगा ना कि किसी से कुछ कह भी नहीं पाएगी कि क्या हुआ उसके साथ। और वैसे भी तेरा क्या जाता है, हम दोनों के साथ तू भी मजे ले। क्या है रे बिरजू? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग, अबे साले हाथ मत लगा, हाथ छोड़ बोला ना, देखो पिटोगे तुम तीनों। छोड़ छोड़ हमको बिरजू, बहुत पीटूंगी तुझे, बता रही हूँ। देख तो तू कैसे हाथ चलाती है। आज देख, ये तीन बार तेरे भी एक साथ कैसे भारी पड़ते। बचाओ, कोई नहीं, बचाओ। मेरा इरादा राखी को जान से मारने का नहीं था साहब, मैं बस मनवाना चाहता था शादी के लिए। एक लड़की का गैंगरेप करके तो उसे शादी के लिए मनवाना चाहता था? मैं बस उसका गुरूर तोड़ना चाहता था। मैडम, ये बिरजू ने मुझसे बोला था कि बस इतना ही करेंगे,
और उसके बाद शादी के लिए मनवाएंगे। ये मर्डर वर्डर करने वाला ये मुझे मालूम ही नहीं था। सब 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 रेप के लिए राजी हो गया तू, लेकिन मर्डर से आपत्ति थी। इतना दयालु है तू, इतनी इंसानियत भरी है तेरे अंदर कूट कूट कर। साहब उसको मारने में मेरा कोई हाथ नहीं था। साहब फट गई होगी तेरी, जब इस घिनौनी हरकत के बाद भी राखी तेरे सामने टटकर खड़ी रही और बोला होगा उसने कि वो तुझे छोड़ेगी नहीं। देख राखी, मैं अब भी तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो तेरा गुरूर था ना, मुझे बस उससे दिक्कत थी। सालो कमीनो, तुम्हें क्या लगा कि रेप कर दोगे तो टूट जाऊंगी मैं? तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको जेल पहुंचाऊंगी, समझे? जेल भिजवाएगी तू? अजीत कैलाश हाथ पकड़ो साली के। बिट्टू क्या कर रहा है तू? मर जाएगी वो। मरने दे साली को, पर पकड़ इसके। इस सब के लिए बात नहीं होती बिट्टू। अब चुप, पर पकड़ इसके। बिरजू तूने कहा था सिर्फ मजे लेंगे। चुप, एकदम चुप, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अजीत तू जा बाहर से साइकिल उठा ले और यही कहीं फेंक दे। राखी के घर वाले और पूरा गांव दंग रह गए ये जानकर कि राखी के गुनेगार ऐसे लोग थे जिन्हें राखी और पूरा गांव इतने करीब से जानते थे। तीनों आरोपियों ने साफ मना कर दिया है कि उन्होंने वो 1,500 रुपये चुराए थे जो राखी अपने साथ लेकर निकली थी। राखी ने अपने मालिक से वो एडवांस किस लिए लिया था, उन पैसों का क्या हुआ, ये अभी भी एक रहस्य है। पर अनुमान लगाया जा सकता है कि राखी ने यह एडवांस या किताबें खरीदने या किसी एडमिशन फॉर्म के लिए या ऐसे ही कोई उपयोगी कारण के लिए लिया होगा। ये संभावना भी है कि कोई क्राइम सीन पर पहुंचा हो, लाश देखी हो और पुलिस को इतलाह करने के बजाय पैसे लेकर भाग गया हो। तीनों आरोपियों के सीमन सैंपल्स ले लिए गए हैं और उन्हें लाश पर मिले सैंपल्स के साथ मैच किया जाएगा। ये केस सिर्फ कठिन नहीं था, इस केस ने पूरी टीम में गुस्सा और आक्रोश पैदा किया था। एक सक्षम, मेहनती, फोकस्ड और मजबूत लड़की थी राखी भामरिया। इस लड़की ने सहानुभूति और दानशीलता को ठुकरा कर अपनी योग्यता को अपना हथियार बनाया था गरीबी का वध करने। ऐसी होनार लड़की का इतना भयंकर अंत हुआ था। अगर इस लड़की को जिंदा रहने का हक मिलता, मेहनत करने का अवसर मिलता, तो ये लड़की पूरे गांव, पूरे राज्य, पूरे देश का सर ऊंचा कर सकती थी। हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फुल प्रूफ बने ताकि कानून उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।